कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून भी चलाया। पर ठीक इसके विपरीत एक गांव ऐसा भी है जहां बच्चे कहते हैं, नहीं है स्कूल, कहां जाएं हम पढ़ने। देखिए खास खबर। करोड़ों के बजट वाली सर्व शिक्षा अभियान योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय से चली आ रही है, पर इन सब के ठीक विपरीत राजगढ़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां स्कूल दिखाई ही नहीं देते। मामला है पचोड़ तहसील के ग्राम छपरा का, जहां वर्षों से प्राथमिक शाला संचालित होती थी, लेकिन सड़क निर्माण की वजह से स्कूल टूट गया और एक साल से स्कूल बंद है, जिसके चलते गांव के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। शासन स्तर पर गांव वाले ने हल्का पटवारी जो है प्रयाग सिंह सिसोदिया, उसको कई बार अवगत करा दिया कि भैया हमारे स्कूल की जो जमीन है उसको आवंटित करें, लेकिन पटवारी की लापरवाही कारण ये इतना समय हो गया कि अभी तक जमीन आवंटित नहीं हुई। इसकी शिकायत हमने माननीय प्रभारी मंत्री को कर दी है। प्रभारी मंत्री महोदय ने कलेक्टर से कहकर शीघ्र जमीन आवंटन कर बच्चों की शाला निर्माण की बात कही। आए थे यहाँ पे तो हमने जगह भी आवंटित करवा के लिए फाइल हमने बना के तहसीलदार मैडम को दे दी है। अब वो फाइल बन के स्कूल के नाम से जब भी जगह हो जाएगी तो हम काम करेंगे यहाँ पे। तो जगह यहाँ पे मिल गई है, जगह भी है यहाँ पे, और अपन ने फाइल बना के स्कूल की वो तहसीलदार मैडम को दे दी है। वहाँ से वो एसडीएम ऑफिस जाएगी, वहाँ से कलेक्टर के पास जाएगी, इसके बाद वो जगह आवंटिंग होगी। जी हाँ, वो स्कूल के खाते में डल चुकी 12 लाख समथिंग, 12 लाख कुछ रुपये डले हैं, डल चुके हैं। तो जैसे ही हमें जगह मिलेगी वैसे हम काम करेंगे। सब आज साल भर हो गया बच्ची है स्कूल टूटा हुआ, जिसके बाद में अभी तक नए स्कूल की कोई प्रक्रिया नहीं चली हुई, जिसके बाद आवेदन दे दिया हम, तहसील में आवेदन दे दिया, पटवारी जी को बार बार बोल रहे हैं, कोई हमारी बात का ध्यान नहीं धरते पटवारी, नहीं सुन रहा। जिसके बाद में रेलवे आ गई, इधर हाईवे आ गया, जिसके बीच में हमारा गांव आ गया, तो बहुत परेशान हो रहे बच्चे। इधर रेलवे क्रॉसिंग करके जाना पड़ता है गाँव में 2 किलोमीटर दूर बच्चे को। वहीं बच्चों से पढ़ाई की बात की गई तो बच्चों ने बताया कि यहाँ स्कूल ही नहीं है, पढ़ने कहाँ जाएं? ना का स्कूल छूट गया, जैसे रोड में आ गया, जैसे नहीं है यहाँ। पढ़ने क्यों नहीं जाते हो यहाँ की जगह? पहले स्कूल था नहीं तो टूट गया, अबे काहे में टूट गया? रोड बन रहे थे हमारे, टूट गए। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर निधि निवेदिता ने तत्काल संज्ञान लिया और बच्चों के भविष्य को देखते हुए गांव में ही वैकल्पिक स्कूल खोलने के निर्देश जारी किए है कि अभी वर्तमान में 4 लेन आने की वजह से टूट गया है और बच्चे जो हैं जहां पर पढ़ रहे हैं तो उनको एक रेलवे क्रॉसिंग जो है वो क्रॉस करके पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। तो हम लोग वो लोकेशन जहाँ जा रहे हैं अभी बच्चे, उसको चेंज करके अभी टेम्प्रेरी रूप से कहीं और संचालित करेंगे, ताकि रेलवे क्रॉसिंग बच्चों को न करना पड़े। और साथ ही जो नया स्कूल बनना है उसके लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई जो है वो शेष है, उसके आवंटन कार्रवाई करके और जल्द से जल्द जो है स्कूल का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आखिर बच्चों के लिए गाँव में कब स्कूल खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, राजगढ़।